नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय पॉलिटिकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर डीवाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के बारे में। यस, इस इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या लेने वाले हो या इसके बारे में जानना चाहते हो, पूरा डिटेल्स मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं इस कॉलेज को लेकर, ठीक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आपको मिलेगा क्रिएटिव सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड कई वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कॉलेज का बेसिक चीज़ों के बारे में, क्योंकि बेसिक मैक्स ब्लास्ट, राइट? तो चलो फिर बात करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 1998 में। कैंपस साइज है 10 एकड़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ 10 एकड़ ठीक ठाक माना जाता है। इंस्टीट्यूट है प्राइवेट ऑफ कोर्स और इनको जो रिकॉग्निशन मिला हुआ है AICTE के द्वारा मिला हुआ है और NAC एक्रेडिटेशन भी है, ग्रेड ए मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप फुल टाइम ही पढ़ाई कर सकते हो, पार्ट टाइम नहीं पढ़ाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो एग्ज़ाम एक्सेप्ट करते हैं ये GMAN एक्सेप्ट करते हैं और साथ में महाराष्ट्र का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी एक्सेप्ट करते हैं, गेट एक्सेप्ट करते हैं, मैट भी एक्सेप्ट करता है, CAT CMAT, उसके बाद CET जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सारे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोर्स ऑफर करते हैं ये 18 कोर्सेस ऑफर करते हैं दो स्ट्रीम में। और इनका जो एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी के साथ वो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। ओके, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 4000 से ज़्यादा है और ये इंस्टीट्यूट रैंक कर चुका है 196 नंबर पे पूरे इंडिया में, ठीक है? और यहाँ पे जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो है BE BTech ME MTech, ठीक है? तो और साथ में इनको जो है ना एक्सेलरेशन में भी 3rd रैंक मिला हुआ है, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये 1998 में इस कॉलेज को जब बनाया गया था तो ये एक्चुअल में एक वोमेन कॉलेज था, ठीक है? मतलब सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ाई कर सकती थी यहाँ पे, ठीक है, बॉयज़ नहीं। लेकिन इसको चेंज करा गया 2002 में, ठीक है? अभी जाके आप जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है? बट पहले ऐसा नहीं था। ओके, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कॉलेज का। चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पे MBA करना चाहते हो 1.3 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है। आपको ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स लाना पड़ेगा प्लस CMAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। BE करना चाहते हो 1.15 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है, 10+2 विथ 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा प्लस GMAN का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ME करना चाहते हो 1.3 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है, आपको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, साथ में गेट का आपको एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट लगता है हाईएस्ट, बहुत उस तरह का नहीं है, यहाँ पे उस लेवल का प्लेसमेंट नहीं लगा है जैसे होता है कि 20 लाख 30 लाख 40 लाख पर एनम तक, ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पे। बट हाँ, मीडियम आप कह सकते हो, एवरेज जो सैलरी यहाँ पे है वो है 3.8 LP, ठीक है, 3.8 लाख पर एनम। ओके, अब देख लो यहाँ पे जो टॉप कंपनीज आते हैं वो कौन कौन से आए हुए हैं ऑलरेडी जो जॉब दिए थे इस कॉलेज में। ओके, तो उसमें है एक्सेंटर है, अमेजन है, बिरला सॉफ्ट है, SCL है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, ये सारे कंपनीज यहाँ पे आई हुई थी जो यहाँ पे जॉब देने के लिए कॉलेजेस के द्वारा बुलाया गया था। ओके, देखो अब नेक्स्ट बात करेंगे प्लेसमेंट सेल के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। अगर उस कॉलेज में प्लेसमेंट दिलाया जाता है तो उसमें जो रोल होता है ना, बहुत बड़ा रोल होता है पढ़ने से भी ज़्यादा। देखो पढ़ाई तो वो अलग चीज़ है बट पढ़ाई कर भी लोगे, अगर प्लेसमेंट सेल नहीं होगा वहाँ पे बढ़िया तो फिर जॉब नहीं लगेगा बच्चों को, ठीक है? तो देखते हैं प्लेसमेंट सेल क्या क्या करवाती है बच्चों को यहाँ पे, ठीक है? तो चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो प्लेसमेंट सेल है, पहला चीज़ ये होता है कि बच्चों को इन्फॉर्म करती है कि प्लेसमेंट होने वाला है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, प्लेसमेंट सेल के लिए। उसके बाद जो प्लेसमेंट सेल वाले होते हैं वो कंपनीज़ के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो वो कंपनीज़ वाले इनको प्रोफाइल भेजते हैं कि ये प्रोफाइल है कंपनीज़ के लिए, तो आप स्टूडेंट को बता देना ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है? ये तो हो गया नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद कंपनीज़ टाइम देती है ना, कि इतना इतना टाइम को हम आएंगे। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, जो एलिजिबल बच्चे होते हैं ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उनको इन्फॉर्म कराया जाता है प्लेसमेंट सेल के द्वारा कि इतना इतना डेट को ये कंपनीज आएंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद होता है
इंटरव्यू, ये एचआर इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन भी होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, और साथ में एक टेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब क्वालिफाई कर जाते हो, प्लेसमेंट सेल वाले आपको फिर तब जाके जो है वो ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड कराते हैं कंपनीज के थ्रू, है ना, जो देते हैं। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाता है कि अगर आप उस जॉब को नहीं करना चाहते हो, है ना, हो सकता है आपको पसंद ना आए, नहीं करने का मन करे, तो आप वहाँ पे आप ठुकरा सकते हो अपने मन से। तो ये बहुत ये रेयर होता है, बट हाँ अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो जो बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, बट फिर भी बात कर लेता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए इस इंस्टीट्यूट को लेकर, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइब्रेरी है, है ना, लाइब्रेरी में कई हज़ारों बुक्स मिलेंगे आपको, और कई तरह के जर्नल्स मिलेंगे, कई तरह के इंटरनेशनल जर्नल्स भी मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और साथ में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, है ना, 24 आवर सिक्योरिटी मिलेगा आपको यहाँ पे। और साथ में देखो बॉयज़ के लिए जो बेड्स है वो है 66, ये ऑफ कैंपस होते हैं, गर्ल्स के लिए भी है, ये भी ऑफ कैंपस में है, और गर्ल्स के लिए हॉस्टल में बेड्स 132 है, ज़्यादा है, ठीक है। और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, बास्केटबॉल कोर्ट है, प्ले ग्राउंड है, यू नो वॉलीबॉल के लिए, और साथ में इंडोर गेम फैसिलिटीज़ भी हैं अवेलेबल। लैब्स के बारे में बात करूँ तो देखो इंजीनियरिंग लैब है यहाँ पे, और कई तरह के लैब्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है लैब्स। और साथ में यहाँ पे आपको कैफेटेरिया मिलेगा, जिम मिलेगा, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा, वाईफाई कैंपस भी है, ऑडिटोरियम मिलेगा, और साथ में सेमिनार हॉल भी होते हैं, ठीक है। तो ये था इस कॉलेज के बारे में, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, कोई भी चीज़ें छूटा नहीं है। और हाँ, अगर आपके पास फिर भी अब तक कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा, यू नो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। देखो मेरा राय क्या है, क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए यहाँ पे? तो बिल्कुल, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप इसमें एक ऑप्शन ढूंढ सकते हो, है ना, इसे आप एक ऑप्शन बना सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, और एवरेज प्लेसमेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल है, और हाईएस्ट यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओके, तो ये फी के हिसाब से अपना फैसिलिटी देते हैं, और प्लेसमेंट सेल भी अच्छी काम कर रही है। तो ये था इस कॉलेज के बारे में। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।